बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत आग पर तेल डालेगी तो काम नहीं कर सकेगी। हुकूमत का काम फायर फाइटिंग है। कौमी असेंबली में उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का सोचेंगे तो आज एक दिन खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अपोजिशन का भी ये काम नहीं कि वो हर वक्त गर्म गलोच करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जलसे में आप जो कहें वो अपनी जगह, असेंबली के रुकन हैं तो वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। जब तक हाउस फंक्शनल नहीं होगा, मुल्क फंक्शनल नहीं हो सकता। बाहर जो सियासत आसत करे वो हमारा मर्जी, यहां आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है ताकि ये हाउस चले, ये जमहूरियत चले, ये पार्लियामेंट चले। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। अब हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं हमारा मुआशी पॉलिसी अगर गलत है तो क्या करना चाहिए। हुकूमत का सिर्फ काम यह होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग, और वो फायर फाइटिंग की बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे। बैरिस्टर गौहर ने 10 सितंबर को यौम सियाह करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से एमएनएस को गिरफ्तार किया गया, नकाबपोश आए, दरवाज़ों को खोला, चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद कराई, तहकीकात की जाए। जलसा बहाना था, निशाना हमारे अरकान थे। हुकूमत सिर्फ एक जलसे की मार है, हमारे अरकान बिकने वाले नहीं। मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकाले चाहते हैं, ईवान मजबूत हो, गैर सियासी कुव्वतों को मौका नहीं मिलेगा।